साइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13 अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 कि जो हमारे पास नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/2 से, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ कम टू सेकेंड कंडीशन, एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है, जो हमारा ये फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। इसमें हम ऐड करेंगे 2/3 एंड यू गेट -7/12 और हमें मिलेगा -7/12। तो ये हमारा अब प्रोडक्ट है, इसमें हम ऐड करेंगे 2/3 एंड वी गेट -7/12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले वेरिएबल को हम यही रखेंगे, एक्स इज अ वेरिएबल, और जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे पहले था -7/12, अब आ जाएगा -2/3 क्योंकि कॉन्स्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5/2x इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेते हुए यहाँ है -7/12 और यहाँ है -2/3, तो एलसीएम आएगा इनका 12। तो यहाँ 12 ऑलरेडी है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, 3 को जब 12 बनाना है तो इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही न्यूमरेटर को और 4 से ही डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज द एलसीएम, तो यहाँ -7 और यहाँ 3 फोर द 12 और न्यूमरेटर हो जाएगा 2 फोर द 8, तो ऊपर आएगा 8। तो 5/2x इक्वल्स टू, दोनों प्लस होंगे क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस इज द सेम साइन, तो आएगा 15 और साइन वो लगेगा जो बड़े नंबर के साथ है, 8 के साथ, तो ये आ जाएगा -15/12। ये कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 5 द 15, 3 4 द 12। यहां लिखते हैं 5/2x इक्वल्स टू -5/4। नाउ x को कैलकुलेट करना है तो x को यही रखेंगे, x के साथ 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए जब फ्रैक्शन ट्रांसपोज होती है दूसरी साइड पे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ -5/4 ऑलरेडी है और 5/2 आकर यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। एक्स इक्वल्स टू, कैंसिल करेंगे इसको 5 से 5, 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा -1/2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। दिस इज द नंबर। थैंक यू।